डालब ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आसपास के प्रांतों से यहां संचालित गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि डालब्य ऋषि के कारण ही इस स्थान का नाम डलमऊ पड़ा। 12वीं शताब्दी में राजेंद्रनाथ पौहारी अयोध्या से यहां आकर बसे और उन्होंने सन्यासियों के लिए मठों की स्थापना की। आज भी यहां पर छोटा मठ एवं बड़ा मठ में विद्यार्थी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके सन्यासियों की तरह जीवन यापन करते हैं। रायबरेली गैजेटियर में लिखे गए ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि 15वीं सदी में दो राजा डलदेव एवं बलदेव सगे भाई थे। बैसवारा के बैस राजपूतों के सहयोग से डलदेव ने गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर किले का निर्माण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। क्योंकि ये लोग भर वंश से होने के कारण भगवान शिव के परम भक्त थे, अतः होली के पावन पर्व पर भांग एवं मदिरा का प्रचुर मात्रा में सेवन करने के बाद हथियार नहीं उठाते थे। इनकी इसी मान्यता का फायदा उठाकर जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने इनका वध कर दिया। आज भी यहां के स्थानीय निवासी होली का त्यौहार नहीं मनाते और स्त्रियां अपनी समस्त आभूषणों एवं सिंदूर का त्याग करके एक विधवा के रूप में वीर गति को प्राप्त हुए भर राजाओं एवं सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हैं। गंगा नदी के किनारे ऊंचे टीले पर राजा डलदेव के किले के अवशेष आज भी विद्यमान है। इसी किले पर बैठकर प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गंगा के विस्तार का अवलोकन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। यहां पर स्थित चौधरी चरण सिंह पंपिंग स्टेशन से